अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स। तो देखिए आज वीडियो का आगाज करते हैं। तो देखिए उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो देखिए आज रेनी डे है इस्लामाबाद में, बहुत अच्छी रेन हो रही है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये देखें इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा हुआ है फ्रेंड, बारिश हो रही है, जैसे ठंड वापस आ गई है। देखिए बारिश ही बारिश हो रही है हर तरफ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम चने लाए हैं, आजकल हरा चना आया हुआ है। हरे चने को साफ कर लेंगे। हरा चना देखिए कितने अच्छे चने हैं इसमें। देखिए हरे चने को साफ करते जाएंगे और रखते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड कितने भरे भरे दाने, और इनको हम ऐसे निकालते जा रहे हैं। एक टोकरी भर गई है, ये देखिए ये कितने अच्छे भरे भरे दाने। क्लोज व्यू लो, इनको ऐसे हम ऐसे 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 आज बारिश का भी वेदर है। वेदर दिखाओ कितना प्यारा है। ट्रेन भी आ रही है, ट्रेन की आवाज आ रही होगी फ्रेंड्स आपको। कितने भरे भरे माशाल्लाह से दिखाओ। कितने अच्छे चने हैं, हरा चना है। देखिए फ्रेंड्स सारे चने कर लिए, क्लोज में दिखाओ। देखिए अब इनमें से दाने निकाल लेंगे, ऐसे दाने निकालेंगे। ये देखिए दिखाना, ये दिखाओ ना क्लोज में व्यू लो ना। देखिए ये हरा चना निकल आएगा, फिर इसको पकाएंगे। ये सारा वेस्टेज है, ये वेस्टेज में फेंक देंगे। ये चने निकले और ये चने निकले कटोरा भर के। ठीक है, सही है। वेदर दिखाता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, देखें आज हम नई वीडियो के साथ आपके सामने नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। तो देखें नई वीडियो है आज, तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, हम सब भी ठीक ठाक है। मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके जरूर बताया करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो देखिये फ्रेंड्स, आजकल हरे चने आए हैं, हरे चने ये देखें, ये चने हैं हरे चने, ये हमने छील के रख लिए थे। ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे जायकामंद जायके वाले होते हैं। आजकल बिल्कुल ताजा ताजा चने की फसल उतरती है तो उसको हरे चने कहते हैं। इस तरह के कच्चे चने होते हैं, ये बनाए आलू के साथ तो बहुत मजे के बनते हैं। आज हम बना रहे हैं हरे चने, ये तो काफी ज्यादा है, आधे रख लेंगे और आधे जो है बना लेंगे। तो देखें आज हम बना रहे हैं हरे चने, चिकन और आलू। चिकन ये हम इकट्ठा ले आते हैं, आपको दिखाया भी था कई वीडियोस में कि हम चिकन इकट्ठा मार्केट से ले आते हैं और उसे धो के फ्रीज कर लेते हैं पैकेट बना के। इस तरह इजी रहता है, फ्रीजर में हमारी चिकन फ्रीज रहती है, गोश्त भी फ्रीज हो जाता है। तो देखिए चिकन चने और आलू शोरबे वाला बनाएंगे आज। तो उसके लिए आप जो चने ले लीजिए, सबसे पहले हम चने वॉश कर लेते हैं। दिखाओ चने वॉश कर ले। ये जो बाकी चने हैं इसके हम चावल बनाएंगे, इसका पुलाव भी बहुत अच्छा बनता है। कुछ चने रख लेते हैं पुलाव के लिए और कुछ चने धो लेते हैं। ऐसे धोने से ये फायदा होगा कि जितना भी इसका, वैसे तो हमने एक एक चने को खुद साफ किया है घर पे लाके, पर जो भी चना खराब होगा या फिर कुछ छिलका वगैरह आ गया होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा, तैर जाएगा। तो इस तरह से निकाल ले। इनको पहले से छील के रखा था इसलिए थोड़े से ब्लैक हो गए हैं, इनमें आयरन होता है, आयरन बाहर आ गया। तो ये हरे चने ग्रीन चिक पीस, देखिए फ्रेंड्स हमने चनों को वॉश कर लिया, दिखाओ क्लोज व्यू लो। चनों को वॉश कर लिए, अब इधर हमने साथ में पानी रखा हुआ है, पहले चने उबाल लेंगे क्योंकि ये सख्त होते हैं, जिस तरह चना होता है ये बिल्कुल वही है, मतलब ये सूख जाएंगे तो चने बन जाएंगे काले या सफेद, इसलिए इनको पहले उबाला जाता है। अगर उबालेंगे नहीं, डायरेक्ट यूज करेंगे तो ये सख्त होंगे, इसलिए पहले इनको हम बॉइल कर लेंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इनका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखिए यहां से ले लेंगे एक चम्मच, थोड़ा से इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि हमारी चनों में अच्छा सा जायका चला जाए नमक का। तो फ्रेंड्स जब तक चने हमारे बॉयल होते हैं कवर अप करके पकाते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। ये जो चिकन निकाला है इसके साथ बनाना शुरू करेंगे, आलू भी छील लेंगे, चिकन आलू और चने शोरबे वाले बनाएंगे आज।
तो देखिए फ्रेंड्स हमारे चने गल गए, ये देखिए कितने अच्छे बिल्कुल टेंडर, बिल्कुल देखिए चना गल चुका है, ये देखिए ऐसे दिखाओ चने गल चुके हैं। ये देखिए ये हमने अभी बनाने हैं चने चिकन और आलू शोरबे वाला, और ये भी चने हैं ये भी गल चुके हैं, इसके चावल बनाएंगे किसी टाइम बाद में। देखिए अभी इधर आ जाओ मेन पे आ जाओ, चने गल चुके हैं, ये दूर का शॉट लाऊंगा सूट। अच्छा देखिए इन चनों को तो उतार देते हैं और साइड पे कर देते हैं, इनको तो फ्रीजर में रख देंगे। ये जो चने हैं ये हमारे मेन है आज की रेसिपी के लिए, चलिए करते हैं साइड वाले फ्लेम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे, और ये जो फ्लेम है ये ऑन है, इस पे रखते हैं नया पैन। देखो पैन चढ़ा लेते हैं, जब तक पैन गर्म होगा तब तक हम लहसुन प्याज और अदरक छील लेंगे। तो फ्रेंड देखें पैन हीट अप होने के लिए रख लिया है, पैन जब तक हीट अप होता है हम बाकी काम कर लेते हैं। तो देखिए चिकन है, चिकन भी हमारा डिफ्रॉस्ट हो गया, कितना प्यारा डिफ्रॉस्ट हुआ है। चिकन को साइड पे कर लेते हैं। एक लिया बड़े साइज का प्याज, लहसुन अदरक हरी मिर्चे और टमाटर। सबसे पहले प्याज छील लेंगे, तो देखिए हांडी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। प्याज छील लिए, अब लहसुन भी छील लेते,
देखिए फ्रेंड्स, लहसुन भी हमने छील लिए कोड़े में, कर कोड़े को कर देते हैं डस्टबिन। प्याज और लहसुन को करेंगे चॉप। देखिए प्याज को ऐसे काट लेंगे, प्याज भी चॉप कर ली। अब लहसुन को थोड़ा सा इस तरह से बारीक कर लेंगे। लहसुन भी चॉप कर लिए और प्याज भी। अब ले लेंगे कुकिंग ऑयल और कुकिंग करने का प्रोसेस करते हैं शुरू। इस तरफ हो जाओ। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे चने हमने पहले से खिला लिए हैं, चिकन को हमने डिफ्रॉस्ट कर लिया, उसके अलावा आलू छील लेंगे। तो देखिए आलू चिकन और छोले बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। हरे चने थे, ये हमने उबाल लिए पहले से, ये देखें इस तरह से उबले हुए। अब देखें दूसरी तरफ हमने पैन हीट अप कर लिया, इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमारा हीट अप हो गया। अब डालेंगे प्याज, पहले प्याज को फ्राई कर लेते हैं। जब तक प्याज फ्राई होती है फ्रेंड्स, ये दिखाओ अदरक, थोड़ी सी अदरक हम काट लेंगे और अदरक को पीस के डालेंगे। अदरक का छिलका निकाल लेंगे और थोड़ी सी अदरक को साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद अदरक को पीस लेते हैं। और अदरक को पीस लेते हैं थोड़ा सा।
ये अदरक भी पीस कर रखी है। ये दिखाओ चम्मच ले लेते टमाटर। फ्रेंड्स टमाटर और हरी मिर्चों को धो लेते हैं और इनको भी काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हरी मिर्चे और टमाटर धो लेते हैं और इनको भी बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर हमने कट कर लिए, टमाटरों को रख देते हैं यहाँ पे, साथ में हरी मिर्चों को भी कट कर देंगे। दिखाओ प्याज हमारा थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर में आएगा तब हम इसमें लहसुन डाल देंगे। इधर आ गए। तो देखिए फ्रेंड्स हरी मिर्चों को भी चॉप कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया। दिखाओ देखिए प्याज हमारा लाइट ब्राउन कलर में आ गया फ्रेंड। अब इसमें डाल देंगे लहसुन और लहसुन को थोड़ा सा पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हम लहसुन डाल के पका रहे हैं, लहसुन थोड़ा सा शैलो फ्राई हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। जब तक लहसुन हो रहा है आलू लेकर आते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ से ले लेते हैं पानी। पानी के बाद थोड़ा सा डालेंगे पानी। और डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर
इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक, नमक हमने फ्रेंड्स चना में भी डाला था इसलिए थोड़ा सॉस समझ के, इसके अलावा डाल देंगे सफेद पिसा हुआ जीरा थोड़ा सा, धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला पाउडर रखा वहां पे डाला, और ये सब मिर्च डाल देंगे, जब तक टमाटर सॉफ्ट होते हैं तब रख कर देंगे और आलू चीज अच्छे पर तक,
तो देखिए फ्रेंड्स हमारे टमाटर तल चुके हैं। देखिए अब डाल देंगे चिकन, चिकन में डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि चिकन हमारा डिफ्रॉस्ट हो जाए, ताकि भूनने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। और इसको थोड़ी देर के लिए कवर अप कर देंगे ताकि भाप में चिकन डिफ्रॉस्ट हो जाए उसी का, और थोड़ी सी आंच लो कर देंगे। तो साथ में देखिए हमारे चने बिल्कुल गलेंगे, जैसे ही चिकन डिफ्रॉस्ट होगा तो फिर चने डाल देंगे और साथ में आलू, बस हांडी तैयार हो जाएगी।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन अच्छी तरह भून चुका है। चिकन भूनने के बाद ये रखाऊंगा। अच्छा, आप डाल लेंगे आलू। आलू को थोड़ी देर भून लेते हैं। आलू भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। आलू भी भून लेंगे, फिर चने डालेंगे। देखिए चने उबाल के रखे हैं, साथ में गरम मसाले भी रखेंगे। जैसे मुर्ग चने बनते हैं ना, ऐसे बिल्कुल वही रहते हैं। देखिए आलू और चिकन को भी भून लिया अच्छी तरह। आप डाल लेंगे ये करी पानी थ्रो कर देंगे? नहीं, पानी में डाल देंगे। ये जो पानी है चनों का, ये जरूर चाहिए। इसका जायका है, स्टार्च है। चनों को थोड़ा सा भून देते, बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे। अगर ज्यादा भूनेंगे तो ये वापस से साफ कर देंगे। थोड़ा मुर्ग चने में आप डाल देंगे ये चनों का पानी। फर्स्ट ये डालेंगे, उसके बाद जितनी हमने ग्रेवी रखी है उस हिसाब से और चिकन को गलाने के हिसाब से, आलू सॉफ्ट होने के हिसाब से पानी डाल देंगे। इसके बाद हमने देखिए पानी गर्म रखा होगा। कि अपनी गाड़ी अपनी पे मिलते हैं आपसे। इसको ऐसे कवर अप कर देंगे और जब तक आलू और चिकन अच्छी तरह गल जाएगा और थोड़ी अपनी गाड़ी हो जाएगी फिर मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा सालन बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। इस तरफ से आ रहा है
बिल्कुल चिकन भी गल गया और थोड़ा सा हमें ग्रेवी भी चाहिए इसकी। ये देखिए आलू भी गल गए, थोड़ा सा ग्रेवी वाला होगा तो ज्यादा मजा आएगा, है ना जी। अब इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, हरा धनिया और चार पांच हरी मिर्चे साबुत डालेंगे। हरा धनिया काट लेते हैं, धनिया वाश कर लेते हैं। चार से चार हरी मिर्चों को भी वॉश कर लेते हैं। देखो हरी मिर्चें डाल देंगे साबुत और हरा धनिया। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा सालन डन बना डन, देखिए ऐसे और ऐसे थोड़ा सा मिक्स मिक्स कर देंगे। तो सालन फ्रेंड्स हमारा डन हो गया, इसको करते हैं कवर अप। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाए। कवरेज क्यों मेरे यार?